Hello students, how are you? I hope you all are fine. So dear students, in previous part we studied chapter 5, unit 5, and here we will discuss another chapter, that is class discussion. So students, here we will discuss chapter 6, unit 6, class discussion, recite and discuss. Okay, class discussion, that is recite and discussion. Look at the picture carefully, attentively. Here is the class, here the teacher, and here all are the students. Okay, sitting on the bench, they are discussing, they are chatting each other. Okay, so let's start. In the class discussion, Jen, you hardly said a word. Okay, in the class discussion, जब आपके class में आपको teacher पढ़ाते हैं और you all sit in the class on the bench and you all are discussing about a topic. So here the teacher said, Jen नाम का एक लड़की है जिसको उनकी टीचर ये बोलती है, ठीक है, कि इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड, यानी तुम बहुत कम बोले हो. क्लास डिस्कशन में सबको कुछ ना कुछ बोलनी चाहिए, अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जेन के टीचर जेन को बोली है कि जेन तुम क्लास डिस्कशन में बहुत कम बोले हो. वी ऑल आयट आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ट. ओके, वी ऑल एड आवर ओपिनियंस, हम सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया इस टॉपिक के ऊपर, इस डिस्कशन के ऊपर, बट यू जो तुम हो वो बहुत कम बोले हो, मतलब मुझे नहीं लगा कि तुम कुछ बोले हो, ऐसा. दैट मीन तुम शांत रहते हो, कुछ बोले नहीं हो. यू सट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. ओके, तुम क्या किए, तुम बैठ गए, है ना, और स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर, यानी बाकी बच्चे जो जो बोले हैं तुम उसको डिस्कशन, उसकी बातों को देखा, स्टेयर्ड किया, लेकिन अपनी ओपिनियन को नहीं दिए. नाउ टेल मी जेन, अब तुम बताओ कि जेन मुझे बोलो, एंड प्लीज बी प्लेन, थोड़ा एक्टिव बनो, नॉट इतने एरोगेंट और ना ही इतनी साइलेंस मत बनो, कुछ ना कुछ बोलो. इज देयर एनीथिंग मैटर, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? आपके टीचर भी आपको ऐसे बोलते होंगे, अगर क्लास में आप बैठे होंगे, अब कुछ बोलोगे नहीं तो आपके टीचर आपको बोलेंगे, तो आप इज एनीथिंग मैटर विथ यू, ठीक है. जेन लुकड अप एंड देन सी स्पोक, जेन ने देखा, जेन ने उनकी बात सुनकर देखी और उसने कुछ बोली. क्या बोली? हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. वो बोली, मैम हर वॉइस वॉज क्लियर, उसकी वॉइस बहुत क्लियर थी और बहुत लो थी, मतलब वो जो भी बोलती थी सुनाई नहीं देती थी. देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, है ना. उसके बाद वो बोली कि इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हु आर क्वाइट, यू नो, जो कि बहुत शांत रहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है. तो जेन ने ये बात बोली, ठीक है. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो आवाज़ थी बहुत क्लियर थी लेकिन लो वॉइस में थी, ठीक है. देर आर मैनी पीपल, वो क्या बोली कि देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, जो बहुत शांत रहते हैं, मैम आप जानते हैं, ठीक है. एंड दिस इज द स्मॉल पोएम अबाउट क्लास डिस्कशन. ओके, एंड डिस्कसिंग एंड चैटिंग द टीचर एंड जेन. ओके, एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज जर्विस फिन, ठीक है. कौन है, हु इज जर्विस फिन, इज द पोएट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके, सम हार्ड वर्ड्स वी विल डिस्कस हियर एट फर्स्ट डिस्कशन.
डिस्कशन मीन्स टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक. ओके, टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप, ग्रुप बनाकर बात करना एक टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ए डिस्कशन. एड का मतलब मेक पब्लिक, यानी अपनी राय को फ्लाश करना, लोगों के सामने लाना, दैट इज एड. एंड बैरली का मतलब होती है, ठीक है, ओनली जस्ट. बैरली का मतलब क्या होती है? ओनली जस्ट. एंड स्टेयर का मतलब होती है घूरना, ऐसे कोई चीज़ घूरते हैं ना, दैट इज स्टेयर बोलते हैं. लुक फिक्सडली विथ आइस आइट ओपन. एंड प्लेन का मतलब होती है क्लियर, साफ सुथरा. ठीक है, तो आई होप यू वर्ड अंडरस्टूड. एंड इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक. ओके, टिल देन रीड इट, रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू लर्न the glossary of this chapter and find out hard words from the chapter and write in notebook. Okay?